नाबालिग से दुष्कर्म के बाद हत्या प्रेमी गिरफ्तार, धोखे से लिखवाया था सुसाइड नोट, प्रेस वार्ता में पुलिस अधीक्षक ने किया खुलासा। जांजगीर जिला के जयजयपुर चोर भट्टी गांव के तालाब में 3 दिनों से लापता 12 वर्षीय किशोरी की लाश मिलने से सनसनीखेज मामले का पुलिस ने प्रेस वार्ता के माध्यम से खुलासा किया। एसपी डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने जानकारी देते हुए बताया कि इस मामले में मृतका का प्रेमी कातिल निकला, जिसने एक साथ आत्महत्या करने का वादा करके नाबालिग से सुसाइड नोट लिखवाया और फिर उसे घर से ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया और कत्ल करके उसके जेब में सुसाइड नोट रखकर मृतका के शव को तालाब में फेंक दिया और मौके से फरार हो गया। इस संबंध में खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव ने बताया कि दिनांक 2 मार्च को नाबालिग के परिजनों ने जयजयपुर थाने आकर जानकारी दी थी कि दिनांक 28 फरवरी की दरमियानी रात्रि इस नाबालिग लड़की को कोई बहला फुसला कर भगा कर ले गया। रिपोर्ट पर धारा 363 भादवी कायम कर विवेचना में लिया गया। इस मामले की जाँच पुलिस कर रही थी, तभी दिनांक 3 मार्च को नाबालिग लड़की की लाश ग्राम चोर भट्टी के डबरी तालाब में मिली। जांच पंचनामा के बाद कार्यपालिका दंडाधिकारी जयजयपुर और 3 डॉक्टरों की टीम के द्वारा वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया, जिसमें हत्या की पुष्टि हुई, जिस पर पुलिस ने धारा 302 जोड़कर परिजनों और ग्रामीणों के बयान के बाद संदेही जवाहर चंद्रा पिता समारू रामचंद्रा निवासी चोर भट्टी थाना जयजयपुर को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर आरोपी ने बताया कि नाबालिग लड़की के साथ प्रेम प्रसंग में था, जो कि पूरे गाँव में फैल चुकी थी, जिसकी वजह से दिनांक 28 फरवरी को उसने लड़की से मिलकर हत्या करने की साजिश कर सुसाइड नोट लिखवा कर ले जाने कहा, और जिसके बाद नाबालिग अपने घर से सुसाइड नोट लिखकर रात 1 बजे आरोपी के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर डबरी ताला चोर भट्टी के पास पहुंची। तब आरोपी ने उसे जबरदस्ती बलात्कार किया और गला दबाकर हत्या कर दिया। पुलिस को गुमराह करने के लिए मृतका द्वारा लिखे गए सुसाइड नोट को उसके लेगिंग्स के जेब में रख दिया और मृतका के शव को डबरी तालाब में फेंक दिया। आरोपी द्वारा अपना जुर्म स्वीकार करने पर आज दिनांक 5/3/2022 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। टीवी इंडिया 18 के लिए जिला ब्यूरो चीफ मेला राम कश्यप की खास रिपोर्ट। 28 तारीख की दरमियानी रात को एक लड़की जो है नाबालिग 13 वर्षीय वो अपने घर से गायब होती है पुलिस स्टेशन जयजयपुर एरिया में। उसकी रिपोर्ट 2 तारीख को घर वाले आके थाने में देते हैं, जिसपे तुरंत 363 IPC का अपराध जो है वो पंजीबद्ध किया जाता है और गांव में आसपास खोजबीन की जाती है। अगले दिन 3 तारीख को दोपहर में एक खबर आती है कि गांव के ही एक पोखर में महिला की लाश जो है वो तैरती हुई है और उसकी पहचान गांव वालों ने इसी गुम बालिका के रूप में की। तुरंत वहाँ पर सीनियर पुलिस अधीक्षक एडिशनल पुलिस अधीक्षक और थाना प्रभारी घटनास्थल पर पहुँचते हैं। देर रात होने के बावजूद भी तहसीलदार के सामने बॉडी को निकाला जाता है, उसका लाइट लगा के उसकी पंचनामा किया जाता है। अगले दिन टीम ऑफ डॉक्टर्स 3 डॉक्टरों की टीम द्वारा वीडियोग्राफी करा के उसकी ऑटोप्सी कराई जाती है। ऑटोप्सी में प्रथम दृष्टिया जो है वो गला घोट के मारने की बात सामने आती है और लड़की के साथ संभवतः बलात्कार की बात सामने आती है। वहाँ से एक उसके लड़की के पास से एक कागज़ का टुकड़ा मिलता है सुसाइड नोट टाइप का, उसको सुखाया जाता है और उसमें लड़की सुसाइड करने की बात उसमें कि हम जाके मरना चाहते हैं ऐसी बात उसमें लिखी हुई पाई जाती है। गांव वालों ने चश्मदीदों के आधार पे जो वहाँ फिजिकल एविडेंस मिले बायोलॉजिकल एविडेंस मिले उसके आधार पे उसके जो उसका बॉयफ्रेंड था प्रेमी जवाहर चंद्रा उसी पड़ोसी था उसका पिता समारू रामचंद्रा वो चोरभट्टी गाँव का ही रहने वाला था, उसको पुलिस रात में ही गिरफ्त में लेती है, उसे पूछताछ करती है। उसे पूछताछ के आधार पर 6 और संदेही को उठाया जाता है। उसने अपने फ़ोन में भी कुछ ऑटो रिकॉर्डिंग ऑन था, कुछ रिकॉर्ड्स डिलीट कर रखे थे और कुछ रिकॉर्ड्स रखे थे जिसमें ये बात सामने आती है कि चिट्ठी मिली कि नहीं मिली, पुलिस को नहीं मिलेगी तो क्या होगा। उस पर हमने जाके जो उसके दोस्त थे उनसे पूछताछ की, संदिग्धों को लाए। दोस्तों से पूछताछ में आई विटनेस के अकाउंट में ये सामने आया कि वो रात में लड़की इस लड़के के साथ देखी गई थी बाइक में, उस बाइक को जब्त किया गया, वहाँ से कुछ हमें फिजिकल एविडेंसेज मिले और फिर जब लड़कों इस संदेही लड़के को कन्फ्रंट किया गया तब उसने पूरी कहानी खुली कि उसने लड़की के साथ ये प्लान बनाया कि हम दोनों सुसाइड नोट लिख के एक साथ जी नहीं सकते तो एक साथ मरेंगे। 26 तारीख को जो बालिका है उसकी मदर ने एक मोबाइल पकड़ लिया था जो इस संदेही लड़के ने दिया था लड़की को, और उसकी मदर ने मना किया कि तुम्हारी उम्र बहुत छोटी है, अभी तुम्हारी शादी नहीं कर सकते। लड़की क्योंकि आरोपी लड़के से शादी के लिए दबाव बना रही थी और क्योंकि पहले भी इनके फिजिकल रिलेशनशिप था
तो लड़की यह बोल रही थी कि यदि शादी नहीं करोगे तो पूरे गांव में इस बात को बता देगी। आरोपी लड़का सामाजिक बदनामी के डर से, लीगल पॉक्सो की कार्रवाई के डर से और दोस्तों में बदनामी के डर से उसने ये एक शातिर प्लान बनाया, सुसाइड नोट लड़की से लिखवाया, उसको बाइक में साथ में गया और पास में जाके उसके साथ जघन्य बलात्कार करके गला घोंट के उसकी हत्या कर दी और उसको पोखर में सामने फेंक दिया। पुलिस की सूझबूझ, तत्परता, त्वरित एक्शन और प्रॉपर कलेक्शन ऑफ एविडेंस के कारण जो ये केस सॉल्व हुआ और ग्रामीणों में जय पुलिस और जांजगीर पुलिस के लिए भरोसा बढ़ा।